भला ऐसी जगह कौन जाना चाहेगा जहां पर उम्र कुछ मिनटों में बहुत ज्यादा साल बढ़ जाती है, मतलब इंसान बूढ़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओल्ड मूवी ट्रेलर के बारे में, जिसे हाल फिलहाल में हिंदी में रिलीज किया गया है और ये मूवी जो है वो थिएटर्स में आने वाली है। और इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया एम नाइट श्यामलन ने, जिनका जन्म भारत के माहे में हुआ था, फिर यहां से वो अमेरिका चले गए थे और वहां पर ये फिल्म मेकर और एक्टर दोनों काम कर रहे हैं। और इस मूवी को यानी ओल्ड मूवी को ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है इस देश में नहीं, किसी और दूसरे देश के अंदर, और भारत के अंदर ये जो मूवी है वो 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ओके, तो इस मूवी की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जितना इस मूवी के ट्रेलर को देख के पता चलता है, कुछ लोग पिकनिक मनाने या फिर घूमने जाते हैं, उनको एक आइलैंड के या फिर एक बीच के बारे में पता चलता है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यार इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकता है, किसी को कोई पता नहीं, वहां कोई नहीं होता, थोड़े बहुत और लोग होते हैं वहां पर। और जब वहां पर जाते हैं तो धीरे धीरे उस जो बीच का है वो उसके राज जो है वो सामने आने लगते हैं कि यहां पर इंसानों की जो उम्र है या फिर इंसानों यार और बाकी चीजों की भी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती है। खैर जब मूवी आएगी तब वहां पर इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी, लेकिन यहां पर जो भी जाता है उसकी उम्र इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है कि मतलब कोई बूढ़ा, मतलब कोई जवान होता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, मतलब एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर। और जो बच्चा है वो एक दिन के अंदर ही जवान हो जाता है, मतलब ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये जब सब होने लगता है इन लोगों के साथ, ये इससे में बाहर कैसे आते हैं, इससे बीच से बाहर कैसे आते हैं, ये सब चीजें तो जब ये मूवी रिलीज होगी यार जब भी मुझे पता चलेगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं ये सब देखने के लिए। हाँ यार, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है वो अच्छा लगा है, काफी अच्छा लगा है। और जब ये मूवी रिलीज होगी तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे कैसा काम किया गया है, इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और जो इस ट्रेलर के अंदर मुझे चीजें पसंद आई वो ये कि यार जैसे इसमें एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने को लेकर कैसे इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो काफी बढ़िया अच्छा लगा मुझे, कि भाई इंसान की जो है वो आंखें कमजोर हो रही हैं, जैसे इसके अंदर कहते हैं मेरी आंखें जा रही हैं, इंसान की जो स्किन है वो ड्राई हो रही है, मतलब बूढ़े होने पर इंसान की स्किन जो है वो ड्राई होती चली, तो ये वाली जो छोटी छोटी चीजें दिखाई जाती है ना वो काफी ज्यादा पसंद आती है, जैसे थोड़ा वो ड्रावना लुक भी आ जाता है यार। ओवरऑल इस ट्रेलर को मैंने काफी इंजॉय किया और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, इस ट्रेलर को देखने के बारे में, मुझे नहीं पता था कि ऑलरेडी किसी देश में रिलीज हो चुके हैं, जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि बेल्जियम के अंदर ये रिलीज हो चुके हैं। और जो आईएमडीबी के ऊपर इसकी रेटिंग दी गई है, आईएमडीबी के ऊपर इसमें जो रेटिंग है वो 6 out of 10 दी गई है। आई डोंट नो कि भाई उनको कैसी लगी, शायद हमें अलग तरीके से लग सकती है। पर एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चले कि जो ये मूवी आ रही है 13 अगस्त को, इसके चलते या फिर इसके अलावा और भी काफी सारी मूवीज हैं जो अगस्त के महीने में रिलीज होने वाले हैं, जिसके चलते भाई फास्ट एंड फ्यूरियस 9 इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो भी डिले कर दी गई है, वो जो है वो 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और अगस्त के महीने में बहुत सारी मूवीज आने वाली है अगर ये सही रहा तो, मतलब कि उनमें कोई रुकावटें पैदा नहीं हुई और कुछ भी बंद नहीं हुआ, सब चीजें नॉर्मल तरीके से चलती रही, तो जितनी भी मूवीज अगस्त महीने में आने वाली वो धमाका करने वाली है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 19 अगस्त को आने वाली है, सुसाइड स्क्वाड जो है नई जो मूवी आ रही है सुसाइड स्क्वाड के ऊपर वो आने वाली है 6 अगस्त को, इन दोनों में जो कॉमन है जॉन सीना भैया है। अब भाई साहब देखने वाली बात ही होगी कि यार प्लीज ये सारी जो मूवीज है उनको जो टाइम दिया गया है वो टाइम पर रिलीज हो जाए, कोई भी रुकावट इसके अंदर ना आए तो यार तब थोड़ा अच्छा लगेगा ना। और इन मूवीज के अलावा जो है बेबी बॉस फैमिली बिजनेस आने वाली, जो एक एनिमेटेड मूवी है, ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले बेबी बॉस जो मूवी आई थी काफी बढ़िया रही थी। और इसके अलावा फॉरएवर पर्ग मूवी आने वाली है अगस्त महीने के अंदर। और इन सब मूवीज के अलावा जो मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूं, जिस मूवी का नाम है हिटमैन्स वाइव्स बॉडीगार्ड, मूवी के बारे में काफी लंबा नाम हो गया। इस मूवी के अंदर हमारे प्यारे डेडपुल भैया है, जिनको देखने के लिए मैं काफी ज्यादा उतावला हूं, क्योंकि जो हिटमैन मूवी आई थी, हिटमैन्स बॉडीगार्ड जो मूवी आई थी वो काफी ज्यादा बढ़िया रही थी। और इस मूवी का ट्रेलर भी, यानी हिटमैन्स वाइव्स बॉडीगार्ड, काफी बढ़िया नाम हो गया, इस मूवी का ट्रेलर भी काफी धमाकेदार रहा था, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे सीन जो दिखाए गए थे मतलब काफी फनी थे, वो एक्शन के साथ साथ जो फनी, यार आप डेडपुल भैया को आप मूवी के अंदर देखोगे ना यार अलग ही लेवल आ जाता है उस मूवी में। यार उम्मीद तो यही है कि जो इन मूवीज को टाइम दिया गया है, जो इनका टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है, वो उन टाइम स्लॉट के ऊपर रिलीज की जाए, क्योंकि हालात जो है वो नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं और मूवीज जो है वो थिएटर में जब से जैसे लगेंगी तो लोग भी इनकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।